सो है गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल है ना कि देखो गाइस कैसे हो। आई होप के गाइस सही बढ़िएंगे। हम वैसे तो आज की वीडियो का थंबनेल पता लगा लग के आज की वीडियो किस टॉपिक के बने वाले। तो आज की वीडियो का 15 अगस्त को होने वाले। तो गाइस 15 अगस्त को एक कंसर्ट ऑलरेडी बना रखा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर चेकआउट कर एंगा, जो मैंने बने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंगा। जिसने तुम इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। तो चल गए मिनट आगे वीडियो को करते हैं। ठीक है सिंपल का, सबसे पहले पिक्सआर्ट वो ओपन करना है एंगे, उसके अंदर बोले ये बैकग्राउंड ओपन करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल एड फोटो में जाना एंगे, आपको मॉडल का फ़ोटो लेना। ठीक है, मॉडल का फ़ोटो लेना आपको, तो ये मेरा मॉडल। ठीक है, एंगे आपको प्लेन का पीएनजी लेना। ठीक है, प्लेन का पीएनजी एंगे मॉडल का पीएनजी। तो गाइस मैं वीडियो में जितने पीएनजी और बैकग्राउंड यूज़ करूँगा तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेन का पीएनजी ना इसको थोड़ा जूम करेंगे, इतना रखेंगे। ठीक है, इसको सिंपल यहाँ पे ऊपर की यहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एंड अपने जो मॉडल है ना, मॉडल को थोड़ा सा जूम करेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, डन क्लिक, थोड़ा सा प्लेन को जूम आउट करेंगे, फिर जूम इन करेंगे एंड सिंपल इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल को भी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा प्लेन के नीचे एडजस्ट करेंगे एंड ऊपर के साइड में थोड़ा सा ऊपर के साइड में लेंगे। परफेक्ट है, डन क्लिक, राइट क्लिक करेंगे। दोबारा से आपको एड फोटो में जाना है एंड कुछ पीएनजी लेना है। ठीक है, तो इस बार गाइस मैं ये वाले पीएनजी ले लेता हूँ, स्मोक का पीएनजी लेना आपको। ठीक है, स्मोक का पीएनजी लिया, तो इसको आपको यहाँ ऊपर के यहाँ लगना है, जो इसको ब्लेंडिंग है ना उसको आपको स्क्रीन करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जूम आउट करेंगे। ठीक है, इस प्लेन को सिंपल प्लेन का इंजन है ना, इसको यहाँ पे रखेंगे पंखे के यहाँ। ठीक है, इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा ओपेसिटी को डाउन करेंगे। ठीक है, डन क्लिक, दूसरा का इसी पिंज को डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एंड पिंज को इस साइड में ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड में ले लिया, राइट क्लिक करेंगे, दोबारा आपको एड फोटो में जाना है एंड आपको फायर का पीएनजी लेना है। ठीक है, तो आपको ये वाला फायर का पीएनजी लेना है एंड कुछ इसको सिंपल यहाँ ऊपर की यहाँ एडजस्ट करना है, जहाँ पर जो पीएनजी स्मोक वाला पीएनजी किया था ना उसको भी गाइस वहीं एडजस्ट करना है। ठीक है, तो उसको नॉर्मल रखेंगे एंड सिंपल थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पे गाइस एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रबड़ पे जाना है एंड ब्रश की गाइस ओपेसिटी को डाउन करना एंड हार्डनेस को भी डाउन करना। ठीक है, नीचे की होगा इस एरिया को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। ठीक है, डन क्लिक, परफेक्ट है एंड ओपेसिटी हल्का सा ओपेसिटी को डाउन कर लेंगे। ऐसा लगना तो ऐसा लगेगा कि प्लेन है ना क्रैश हो गया। ठीक है, दोबारा का इसको एक डुप्लीकेट बनाएंगे इसका भी फायर को एंड इस फायर को इस साइड ले लेंगे, पंखे के इस साइड ले, एक साइड वाले यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, डन क्लिक, इसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, दोबारा आपको एड फोटो में जाना एंड एक आपको एक पीएनजी और लेना है। तो इस बार आपको ये वाला पीएनजी लेना है। ठीक है, तो उसका इसका भी आप ब्लेंडिंग मोड का इसको चेंज करना है, तो उसका भी आप ब्लेंडिंग मोड डायरेक्ट लग सकते हो। ठीक है, तो इसको सिंपल यहाँ ऊपर की ओर रखना है, तो इस वाले पेन जो सिंपल यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा जूम इन करेंगे, परफेक्ट, थोड़ा सा जूम इन करेंगे एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सिंपल का, इसको प्लेन के यहाँ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, रबड़ पर जाएंगे एंड इसको सिंपल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, इसकी ओपेसिटी का डाउन करेंगे, करीब 58 के बराबर रखेंगे, 50 या 61 भी रख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर आपको दोबारा इसी पीएनजी पे क्लिक करना है, इस पीएनजी का आपको डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, तो इस वाले पीएनजी का बिल्कुल इस साइड लेना है, इसको थोड़ा सा घूम फ्लिप करेंगे एंड इसको इस साइड लेंगे। ठीक है,
थोड़ा जूम आउट करेंगे, इसको थोड़ा सिंपल यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, डन क्लिक। फिर से एड फोटो में जाएंगे, एंड गाइस आपको एक बैकअप पीएनजी लेना है, ठीक है। तो गाइस ये वाला बैग है, तो मैं बैकअप पीएनजी लेता हूँ, पीएनजी लेता हूँ गाइस, पीएनजी नहीं है सॉरी। तो अगर बैकअप पीएनजी लेना है, ठीक है, तो गाइस ये बैकअप पीएनजी, इसको गाइस सिंपल यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको फ्लिप को गाइस रोटेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, सिंपल इसको रोटेट करेंगे एंड यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा गाइस आगे की ओर घुमाएंगे, रोटेट कर फ्लिप करेंगे, डन क्लिक एंड राइट क्लिक करेंगे। अब आपको गाइस इंडियन फ्लैग का पीएनजी लेना है, ठीक है गाइस, एंड आपको दो पीएनजी लेना है, ठीक है, इंडियन फ्लैग का पीएनजी लेना। तो इस वाले पीएनजी का सिंपल थोड़ा सा गाइस इस साइड से जूम बड़ा करेंगे, ठीक है, एंड अपने हैंड के यहाँ एडजस्ट करेंगे, जूम आउट करेंगे थोड़ा सा एंड अपने हैंड के यहाँ एडजस्ट करेंगे, डन क्लिक। इसके ऊपर साइड को थोड़ा सा ऊपर साइड को डाउन करेंगे एंड रबर पे क्लिक करके गाइस जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना अपने हैंड के ऊपर उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, हार्डनेस को थोड़ा सा हार्डनेस को बढ़ाएंगे एंड फास्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है गाइस। डन क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर साइड को पूरा 100% ऊपर साइड को कर लेंगे एंड गाइस रबर पे जाके इसकी हार्डनेस को 100% रखना, ठीक है, एंड जो गाइस बाकी के जो फ्लैग है ना इसको पूरा रिमूव करेंगे, ठीक है, इसको पूरा रिमूव करेंगे, आई थिंक इतना ठीक है, ठीक है गाइस, राइट क्लिक करेंगे। अब आपको गाइस ये वाला फ्लैग लेना, ठीक है, इसको गाइस सिंपल इसको फ्लिप करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, जूम इन करेंगे एंड इसको सिंपल अपने हैंड के यहाँ एडजस्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन करेंगे एंड सिंपल यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, डन क्लिक। अब आपको क्या करना है, इफेक्ट में जाना है एंड आपको ब्लर का इफेक्ट लेना है, ठीक है, ब्लर एंड आपको सेकंड वाला जो ब्लर दिख रहा है ना थर्ड वाला ब्लर, तो आपको ये वाला ब्लर लेना है एंड इसके जो ब्लर का जो है ना आपको माइनस करना 10% रख सकते हो, ठीक है, 10% के बराबर आपको इसका ब्लर अमाउंट रखना है आपको, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस आपको 10% आपको ब्लर रखना है ये वाला, इस वो गाइस सिंपल अपने फेस के यहाँ लेंगे एंड आपको ब्लर अमाउंट आपको थोड़ा सा माइनस करना है, ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। ड्रॉ टूल के अंदर जाना गाइस आपको एंड थ्री डॉट पे जाकर सेव इमेज करना है। तो अगर बाकी की जो एडिटिंग है ना लाइट रूम के अंदर करने वाला अपन, तो चल गए फटाफट लाइट रूम को ओपन करते हैं। तो सिंपल से अगर अपन लाइट रूम में फोटो को अपन ओपन कर लिया, तो आपको क्या करना है, लाइट रूम में आने के बाद मैं आपको एक पी सेट दूंगा, तो उस पी सेट को आपको यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है, तो ये वाला पी सेट है, इस पी सेट को अपने उस फोटो का अप्लाई करने वाला है, तो अपनी फोटो का बहुत ही कमाल की गजब की लगने वाली, तो क्या करें सिंपल का थ्री डॉट पर जाना है एंड इस पी सेट का जितने भी सेटिंग है उसको कॉपी सेटिंग करना है आपको, ठीक है, थ्री डॉट पर जाके आपको कॉपी सेटिंग करना है, ठीक है, फिर से आपको बैक आना है, यहाँ आपको वही वाली इमेज लेनी है, इमेज लेनी है जो आपकी पी सेट को पेस्ट करना चाहते हो, तो गाइस मैं ये वाली इमेज है जो भी आपने एडिट की है अपनी पिक्सार्ट के अंदर ही, तो अब क्या करेंगे सिंपल थ्री डॉट पर जाएंगे एंड गाइस पेस्ट सेटिंग करेंगे एंड गाइस बूम एक ही क्लिक के अंदर अपने फोटो का एक कलर करेक्शन हो चुकी है। सिंपल का थोड़ा फेस के ऊपर करेंगे कलर, थोड़ा सा फेस को एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको कलर में आना है एंड मिक्स में आना है, ठीक है, तो सेकंड वालों का लेंगे एंड होवे को, सेकंड वाले होवे को आपको बढ़ाना है एंड थोड़ा सा लूमनेस को आपको बढ़ाना, तो अगर फेस पे आप देख सकते हो तो सिंपल फेस पे चमक आ चुकी है, ठीक है, स्विचिंग थोड़ा सा डाउन करेंगे
हल्का सा सेचुरेशन को डाउन करना है, ठीक है। 42% को सेचुरेशन को रखना है, और अगर हुवे को थोड़ा सा हुवे को आपको माइनस ही रखना है, एंड लुमिनस को आपको हमेशा लुमिनस को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर गाइस देख सकते हो गाइस फेस पे का एक ही बार एक ही क्लिक के अंदर अपने फेस के अंदर बिफोर जब अपने पिक्सआर्ट के अंदर एडिट की थी, एंड आफ्टर जब अपने लाइटरूम के अंदर एडिट किए। आई तो गाइस इसी तरह से आप प्रीसेट का यूज़ करके अपने फोटो का गजब का लुक आप दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी मैं चैनल बने हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो इतने, तब तक ले गाइस जय हिंद।